क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या CBSE UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपके, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ये भुजाएं हैं इसकी, और भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर देखो, ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर दे देते हैं, ये चित्र आपको बनाना है वहाँ पर, ये यहाँ पर डी हो जाएगा और यहाँ सेंटर में आपके ओ हो जाएगा। और इसमें नियम है कि भाई विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को संधिपादित करते हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये सभी एक जैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम दिया हुआ, क्या दिया हुआ भी आपके ABCD, एक क्या हो जाएगा आपके समचतुर्भुज हो जाएगा, जिसके विकर्ण ऊपर काट रहे हैं। अब हमें करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, भुजाओं के, भुजा नहीं बोला है, भुजाओं के मतलब सभी भुजाएं ABCBC CDED, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग करना है आपको। तो पहले AB² फिर आपके BC² फिर आपके होता है CD² और फिर होता है आपके AD², सभी चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर किसके हैं, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। AC का वर्ग और BD का वर्ग इसके बराबर होता है, ये क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर उत्पत्ति में, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पर संधिपादित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग के विकर्ण परस्पर, अरे यार क्या है रे यार, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं परस्पर 90 डिग्री पर संधिवाद करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब यहां पर 90 डिग्री समद्विभाजित मतलब हो गया AOCO बराबर AO = CO और ये दोनों बराबर BO = DO। इसका मतलब हो गया अगर आप BO का डबल करते हो तो BD बन जाएगा और AO का डबल करोगे तो AC बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर आप AO को डबल करते हो तो आपके AC बन जाएगा और अगर आप BO को डबल करते हो तो आपके क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और 90 डिग्री का भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी है, हमें चारों समकोण त्रिभुज लेने हैं, चारों को ये इस नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कि कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये एक नियम है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, या इसे हम परमेय नंबर 6.7 भी कह सकते हैं आपके बुक के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ये वाला, इसमें ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हम लेते हैं यहाँ पर AB का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज AOBC, ये वाला AOB, AB का वर्ग AO प्लस BO के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB का वर्ग बराबर होता है AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। सेम नियम है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा आपके। फिर हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है BOCC,
इसमें भी देखो बीसी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बीओ और सीओ दोनों को लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं बीओ का वर्ग प्लस सीओ का वर्ग, क्यों होता है तो आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। अब लेते हैं ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है सी ओ डी से, इसमें आपके सी डी का वर्ग लगेगा जो होगा डी ओ सी ओ दोनों, सी ओ का वर्ग प्लस डी ओ का वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे हमें यहाँ पर ए ओ डी में लेना है, ऐसे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ डी से एक तो ए डी का वर्ग बराबर होगा ए ओ डी ओ, ए ओ का वर्ग प्लस डी ओ का वर्ग क्यों होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो हमें क्वेश्चन के हिसाब से इन चारों को आपको ऐड करना है, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों को ऐड करना है, मतलब इन चारों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर इक्वेशन समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर चार, यहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर एक से चार तक सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर जोड़ो सबको। तो यहाँ पर चारों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। अब इधर सबको जोड़ेंगे क्या होगा, ए ओ दो बार है, बी ओ दो बार, सी ओ दो बार, डी ओ दो बार, तो यहाँ देखेंगे हम दो बार ए ओ का स्क्वायर, दो बार बी ओ का स्क्वायर, दो बार सी ओ का स्क्वायर और दो बार डी ओ का स्क्वायर। अब ऊपर देखो यहाँ पर आपके नाम चेंज करने हैं, देखो ए ओ से ए सी बनाएंगे, देखो क्योंकि हमें यहाँ पर ए सी ए डी लाना है, तो ए ओ से ए सी बनाएंगे, बी ओ से बी डी बनाएंगे, ए ओ से ए सी बनेगा, बी ओ से, तो अब इनका नाम चेंज करना, इनकी जरूरत नहीं है। तो सी ओ किसके बराबर है भाई आपके, सी ओ ए ओ के बराबर है, डी ओ बी ओ के बराबर है, तो नाम चेंज कर देते हैं, ये तो रहेंगे आएंगे आपके। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही रखना है आपको, अब यहां पर करेंगे सीओ का मतलब हो जाएगा आपके दो बार एओ का स्क्वायर और डीओ जो है वो आपके बीओ के बराबर है, इधर तो आपके ऐसे ही रहने वाला है, दो बार और दो बार ये हो गया आपके चार बार एओ स्क्वायर, दो और दो हो गया आपके चार बार बीओ का स्क्वायर, इधर तो सेम आएगा। अब देखो ये अलग अलग नंबर है, ये अलग है एओ अलग है, तो दोनों को साथ में लाएंगे क्या करेंगे, चार का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होता है दो ए ओ का होल स्क्वायर, इधर आपके दो बी ओ का होल स्क्वायर, चार का दो हो जाएगा बी ओ का बी ओ हो जाएगा। अब देखो चार दो ए ओ का मतलब होता है ए सी, दो बी ओ का मतलब होता है बी डी, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि दो ए ओ का मतलब होता है ए सी और दो बीओ का मतलब होता है बी डी, तो यहाँ आ जाएगा आपके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इजिकल टू, ए ओ का मतलब क्या होता है ए सी ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, दो बीओ का मतलब होता है बी डी और ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इति सिद्धम, ऐसे आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आकृति 56-54 ये दे रखी है, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, ये रहा ओ बिंदु, और यहाँ पर आपके तीन लंब खींचे हुए हैं, एक ये लंब है, एक ये लंब है, एक ये लंब है, इससे देखो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं समकोण त्रिभुज, मतलब हम क्या करेंगे अगर हम इस लाइन को इधर, अगर मैं इस लाइन को इधर मिला लूँ ऐसे और इस लाइन को अगर मैं इधर मिला लूँ ऐसे और ये जो लाइन है इसको इधर मिला लूँ, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेंगे आपका, कितने बनेंगे भाई 6 त्रिभुज बनेंगे। अब हमें क्या करना है ये चीज़ें सिद्ध करनी है, अब सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले ए ओ ए कहाँ पर है, ये रहा ओ ए, फिर
फिर ओ बी कहाँ पर है भाई आपका, ये रहा ओ बी, इसमें आता है। ऐसे ही आपका सी ओ किसमें है, तो इसमें आता है। तीन त्रिभुज हम ले सकते हैं चाहो तो यहाँ पर, जैसे ये आपका त्रिभुज नंबर वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ये आपका फाइव और ये आपका सिक्स। ऐसे हम बहुत सारे ट्राइंगल लेकर हम ट्राई कर सकते हैं, एक एक छोड़ कर एक ले लो भले आप, या लगातार भी आप ले सकते हो। इसमें से छः समकोण त्रिभुज बने हैं आपके, किसी को भी नंबर लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लेते हैं। ये दिया हुआ है ओ डी लंब है बी सी, ओ ई लंब है ए सी और ओ एफ लंब है ए बी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें पहला पॉइंट भी सिद्ध करना है और दूसरा पॉइंट, इसको आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना भी एक बार सिद्ध करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ नंबर एक नंबर दो, आप नंबर एक नंबर दो पूरा लिखना। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर उत्पत्ति में। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर ओ ए के बारे में या ए एफ के बारे में बात कर रहा है। ए एफ कहाँ पर है, ये रहा ए एफ आपके, तो ये त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, इसका नाम है ए ओ एफ। तो पहले तो आपको लगाना है कि जो कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों होता है, तो ये होता है अभी आपके पाइथागोरस प्रमेय, या प्रमेय नंबर 6.8 भी आप कह सकते हो। अगर आपको लंब या आधार में से कुछ ज्ञात करना हो कर्ण का वर्ग, अब आधार का वर्ग अगर ये ज्ञात करना हो तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लंब की जगह आधार आ सकता है, आधार की जगह लंब आ सकता है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि अगर मुझे लंब स्क्वायर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपके कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे आप यूज में ले सकते हो तीनों में से कोई भी। हमें ए एफ लाना है, तो ए एफ के लिए हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसका नाम है ए ओ एफ। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ त्रिभुज ए ओ एफ से। इसमें देखो आपके ये वाला मुझे ज्ञात करना है, ए एफ का स्क्वायर मुझे अगर ज्ञात करना है तो उसका मतलब क्या होगा आपके ए ओ और ओ एफ, तो ये आएगा आपके, ये ओ आगे लिखना है आपको, यह ध्यान रखना है। तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये लाइन और ये लाइन, मतलब ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन। अब हम लेते हैं देखो बी डी, बी डी कहाँ पर आया हुआ है अभी आपके, बी डी यहाँ आया हुआ इस त्रिभुज में, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज बी ओ डी से। तो हम यहाँ लिखते हैं बी डी का स्क्वायर बराबर होगा, ये त्रिभुज ले रहे हैं हम ओनली ये त्रिभुज। आप चौथे यहाँ पर मैं कलर से बना भी दूँ ये वाला त्रिभुज ऐसे, और पहले हमने लिया था इस त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला, दो त्रिभुज हम ले चुके हैं। तो अब ये त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा भाई आपके, अगर बी डी ज्ञात करना है तो कर्ण में से हमें लंब घटाना है, कर्ण में से मतलब हमें ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके दो। अब ले रहे हैं हम ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का नाम है आपके सी ओ ई। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज सी ओ ई से। इसमें देखो आपको सी ई ज्ञात करना है ये वाला, तो सी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपके ओ ई और ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण पहले लेना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तीनों को जोड़ लो ये उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक दो एवं तीन को जोड़ने पर, चाहे इधर पहले जोड़ो दोनों बराबर ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, तो पहले आएगा ए फिर आएगा आपके बी फिर आएगा आपके सी फिर आएगा आपके डी, डी माइनस में है अभी,
डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है आपके एफ। ये पहला पॉइंट आपके कंप्लीट हो गया और ये हमें उत्तर में चाहिए था और ये हमें मिल गया। अब सामने हमें ए ई सी डी और बी एफ लेके आना है, तो क्या करेंगे? देखो, अब ये त्रिभुज तो हो गए आपके, अब ये बाकी वाले त्रिभुज आपके बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब हमें क्या करना है, इन त्रिभुजों को लेना है। पहले देखो, ए ई बोला हुआ है, तो ए ई आपके इसमें आता है इधर से, ये त्रिभुज आपका, ये त्रिभुज हमें लेना है जिसका नाम है ए ओ ई। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ ई से। आप तो इधर ही लिख सकते हो चाहो तो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ ई से। देखो, ओ ए का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर, ये आएगा आपके ए ई का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ और ओ ई, ये ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज नंबर 5 लेते हैं। इसका नाम है बी ओ एफ, तो हम लेते हैं त्रिभुज बी ओ एफ से। इसमें देखो आपके, अगर आपको बी एफ ज्ञात करना है तो बी एफ कैसे ज्ञात होगा भी आपके, तो यहाँ लिखते हैं बी एफ का स्क्वायर इजिकल टू होगा ये ओ बी और ओ एफ। ओ बी कर्ण है आपका, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 5। अब सी डी लाना है, तो सी डी कैसे लेके आओगे भी आप? सी डी आता है भी आपके, इसमें आता है सी डी यहाँ से, इस त्रिभुज में आता है। त्रिभुज नंबर 6 लेंगे हम, समीकरण नंबर 6 में त्रिभुज नंबर 6 लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज सी ओ डी से। इसमें क्या आएगा भाई आपके, सी डी स्क्वायर इजिकल टू आएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 6। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हम 4, 5, 6 की तरह जमाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वापस आपको रीअरेंज करना है, वापस से आपको उसको चेंज करना है, स्थान चेंज करना है। तो समीकरण नंबर 4, 5 व 6 से, इतना ही लिख सकते हो आप, 6 के कारण इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो आप इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में लिख देना, मर्जी है, रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, वापस से चेंज कर रहा हूँ। तो रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले ओ ए लाना है, इसको और इसको पहले लिखो आप, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। फिर है ओ बी ओ एफ, ये रहा ओ बी और ओ एफ माइनस ओ एफ का स्क्वायर प्लस लास्ट बचे ये दोनों, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बचा हुआ। तो यहाँ आएगा आपके ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इजिकल टू, इसका मतलब क्या होता है आपके, ए ई स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है बी एफ स्क्वायर, और इसका मतलब होता है सी डी स्क्वायर। और ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, अभी हमारे सिद्ध हो गया। ये देखो आपका सेकंड पॉइंट, ये वाला भी हमारे सिद्ध हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे आप देख लेना, ऐसे हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके देर का है, 10 मीटर लंबी एक सी डी है, सी डी दीवार का, जब भी क्वेश्चन है ना दीवार सी डी का, तो हमेशा ऐसे होती है आपकी दीवार, ये आपकी दीवार है, ये दीवार से दूरी है और सी डी हमेशा यहाँ होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की तरह बनेगा,
ये आपके कहलाएगी दीवार, ये कहलाएगी आपके सीढ़ी, ये लिखा हुआ सीढ़ी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये आपके है 10 मीटर। अब भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है, तो ये 8 मीटर उच्च यहाँ पर खिड़की है आपके, दीवार ये है पूरा दीवार के ऊपर, तो ये आपके 8 मीटर है, दीवार जो है ना वो 8 मीटर है। और ये कहलाती है आधार से दूरी कहलाता है, और ये आपके क्या करना है अभी ज्ञात करना है कितनी दूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी, सबसे पहले दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, सबसे पहले तो दिया हुआ सीडी की लंबाई जो कि हमारे पास दे रखी है 10 मीटर, फिर हमारे पास दे रखा है दीवार की लंबाई और वो है आपके 8 मीटर, और हमें करना है ज्ञात दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे से दूरी कितनी है, ये क्या करनी है अभी हमें ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर उत्पत्ति में, नियम है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज का नाम देता हूँ तो ये होता है अभी आपके ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, तो सामने क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण हो गया आपके बी सी का वर्ग, आधार हो गया दूरी जो है वो हो गया आपके ए सी का वर्ग, और फिर आपके है ए बी का वर्ग। कोई भी नाम दे सकते हो, कैसे भी लिखना, अच्छे से लिखना है आपको। बी सी दे रखा है आपके 10 का स्क्वायर, ए सी जो है वो है आपके दूरी, दूरी कितनी है ये लिखा हुआ है, और ए बी जो है वो दे रखा है आपके 8 मीटर दे रखा है। तो ज्ञात करते हैं 10 का वर्ग होता है आपके 100, और दूरी करनी है आपको ज्ञात, और ये 8 का होता है 64, इसको इधर भेज दो तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64, घटाओ तो कितना होता है अभी आपके 36 होता है, स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा भाई आपके वर्गमूल लग जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6। वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको क्या करना है जो उत्तर है वो 6 मीटर लिखना है आपको, क्योंकि दूरी कभी भी क्या होती है माइनस नहीं होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी नहीं होती, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि दूरी कभी माइनस में नहीं आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके देर का है, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, खंबा क्या है मतलब सीधा होता है बिल्कुल, तो ये हो गया भाई आपके खंबा बिल्कुल सीधा, इसमें एक तार एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा, तार का एक सिरा तो यहाँ जुड़ा हुआ है भाई आपके ऊपर की ओर, और दूसरा सिरा एक खूंटे से, खूंटा होता है अभी यहाँ पर, यहाँ पर एक खूंटा है आपके, इससे ये तार आपके जुड़ा हुआ है यहाँ से आपके, खंबे के आधार से, खंबे का आधार ये होता है, ये खंबे का आधार है, खूंटे से कितनी दूर पर गाड़ा जाए, ये कितनी दूर पर आपको गाड़ा जाए, ये दूरी क्या करनी है अभी आपको ज्ञात करनी है, दूरी कितनी है ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, खंबे के आधार से खूंटे कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार की लंबाई 24 हो जाए, ये जो तार है ना ये आपके 24 मीटर दे रखा है, और जो खंबे की जो ऊंचाई है वो आपके दे रखी है 18 मीटर, और हमें ये वाली दूरी क्या करनी है भाई ज्ञात करनी है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे ही आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है खंबे की ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है आपके 18 मीटर, फिर है भाई आपके तार की लंबाई, तार की लंबाई दे रखी है आपके 24 मीटर, और हमें करना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ये दूरी ज्ञात करनी है, ये लिखा हुआ आपके
आप कह सकते हो यहाँ पर दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी। अच्छा नाम दे दो यहाँ पर, ये हो गया भाई आपके ए बी सी, तो कुछ भी नाम, ए बी सी ऐसे लिखो, ऐसे कर मजिया ऐसे लिखो। हमें दूरी, दूरी मतलब हो गया अभी बी सी क्या करना है, अभी आपको ज्ञात करना है। ये खम्भे की ऊंचाई है वो आपका ए बी है, तार की लंबाई है वो आपका ए सी है, ऐसे। तो स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन का आंसर करना। उत्पत्ति में सबसे पहले देखो हमारे पास वो नियम लगाना है कि कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। क्यों होता है तो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है, या फिर प्रमेय नंबर 6.8 भी आप लगा सकते हैं। कर्ण, कर्ण आपका एसी है जो दे रखा है 24 मीटर स्क्वायर। फिर आधार आपके दूरी है वो आपको ज्ञात करना है बीसी का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर मतलब हो गया आपके 18। ये तो हो गया भाई 24 × 24 कितना होता है, 676, 576 होता है, ये होता है भी आपके 576 होता है। बी सी तो हमें ज्ञात करना है, 18 का स्क्वायर होता है भी आपके 324, 18 × 18 गुणा कर लेना, इधर भेज दो तो बी सी का वर्ग आएगा आपके 576 − 324, तो बी सी स्क्वायर बराबर होगा, घटा दो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5 और इधर आपके 2। अब यहाँ पर देखो मैं ऐसे टुकड़े कर रहा हूँ इसके, मैं इससे कर रहा हूँ ऐसे, 252 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग, 126 फिर 2 का भाग, तो कितना आएगा अभी आपके, आधा कर दो 63, फिर 3 का भाग, तो ये जाएगा अभी आपके 21 बार, फिर 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का 1 बार, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि केवल बी सी लिखता हूँ, स्क्वायर हट गया, इधर लगेगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो बी सी का मान आएगा 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6√7। देखो इन दोनों का 2 आ जाएगा, इन दोनों का 3 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 7 अकेला ही रहेगा, √ में रहेगा, ये हो जाएगा 6√7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके देर का है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज पश्चिम की तरफ भी उड़ता है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे आप जैसे चाहो उड़ा सकते हो। तो देखो भाई आपके मान लो कि यहाँ पर आपका हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है आपका यहाँ से, अब कहाँ कहाँ जाना है, देखो सबसे पहले उत्तर की तरफ जाना है 1000 किलोमीटर की चाल से, तो एक हवाई जहाज जा रहा है इधर की ओर, और एक हवाई जहाज इधर की ओर जा रहा है पश्चिम की ओर जा रहा है इधर की ओर, दोनों की अलग स्पीड है दोनों की, ये मेन है इसका, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, एक उत्तर की तरफ है और एक पश्चिम की तरफ, लेकिन ये दूरी नहीं ये चाल है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा कि ये दूरी कितनी है ये दूरी कितनी है। हमारे पास चाल दे रखी है तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास दे रखा है हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल दे रखी है। अब जो उत्तर में जा रहा है उसकी चाल अगर हम ज्ञात करें, तो एक तो जो उत्तर में जा रहा है उसकी चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो आपके पश्चिम की तरफ जा रहा है उसकी चाल हो गई भी आपके 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रखी है। लेकिन ये चाल, ये तो दूरी होती है, हमें दूरी याद करनी, हमारे पास समय भी दे रखा है, समय दे रखा है अभी आपके 1/1/2 घंटे दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि कुछ देर बाद जहाज यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच की जो गैप है वो कितना है, एक जहाज यहाँ पर आया हुआ है एक जहाज यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वो क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना कि ये ए है ये बी है और ये सी है, और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए सी की दूरी क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है, ए सी कितना है वो हमें ज्ञात करना है।
बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बताओ तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई आपके, चाल इंटू समय। अगर आप ज्ञात करना चाहते हो, ए बी की दूरी ज्ञात करना चाहते हो कि ए बी कितना है, तो ए बी की चाल कितनी है आपके, 1000 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है आपके, 1.5 घंटे का है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 1 3/2। 2 का आप चाहो दोनों गुणा कर लो, 3000/2, और ये आ जाएगा आपके 1500 किलोमीटर। मतलब ये हवाईजहाज जो है ना, वो 1500 किलोमीटर जा चुका है। अब ये हवाईजहाज की दूरी ज्ञात करनी है कि बी सी कितना है। तो गाड़ी की जो चाल है, हवाईजहाज की जो चाल है, वो कितनी है भाई, 1200 किलोमीटर इंटू 3/2 गुणा कर लो, तो ये होता है आपके 3600/2, और ये होता है आपके 1800 किलोमीटर। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा। इनको यूज मत लेना, ऐसा नहीं है हजार लिख दिया या 1200 लिख दिया और ये ज्ञात कर लिया, पूरा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ लिखते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लगाते हैं सूत्र, कर्ण कर्ण कौन है भाई आपके, AC का वर्ग बराबर होता है आपके BC का वर्ग, लिख दो या AB का वर्ग, कुछ लिख दो मर्जी है। जो आधार और लंब किसी को भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है। जिसको मर्जी आए, आधार बोलो लंब बोलो, एक ही बात है। तो एक तो आ रहा है आपके, AB कितना आ रहा है, 1500 और 1800। तो हम यहाँ लिखते हैं 1500 का वर्ग, और फिर यहाँ लिखते हैं 1800 का वर्ग, तब हमें जाकर मिलेगा AC का वर्ग। 15 × 15 225, और 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। 18 का वर्ग होता है 324, 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 जीरो के 4 जीरो, 5 और 4 9, 2 और 2 4, और 3 और 2 5। ऐसे अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हम यहाँ कर लेते हैं, इसका 549 का करेंगे हम। 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 का भाग 18 बार, इसमें जा रहा है 3 बार, और 3 का भाग दे दो तो ये जाएगा भाई आपके 61 बार, क्या 6 बार जाएगा, फिर 61 बार जाएगा, 61 का भाग जाता ही नहीं। तो AC का वर्ग हो जाएगा आपके ऐसे कि इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया भाई आपके, वर्गमूल लग गया AC का। AC 549 का मतलब होता है 3 × 3 × 61, और इसका मतलब होता है आपके 100 × ऐसे 10 × 10 कर सकते हो आप चाहो तो। इसका मतलब ये रहा, चाहो तो ये वाला आप मिटा भी सकते हो, जिसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया है। इसका मतलब तो ये रहा, और बाकी 4 जीरो के ये है ये। तो AC का मान हो जाएगा, इस 3 में से 1 3 बार आएगा, और इन 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएंगे, और जो बाहर नहीं आ रहा है वो है आपके 61, और उत्तर आएगा आपके किलोमीटर में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है और 11 मीटर है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। दो खंभे हैं भाई, एक खंभा जो है वो 11 मीटर का है, और एक खंभा आपके 6 मीटर का है। दो खंभे हैं अभी। अब इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके बीच का जो गैप है वो आपके दे रखा है 12 मीटर का गैप दे रखा है। ये आपके 12 मीटर है, ये आपके 6 मीटर है, और ये आपके 11 मीटर है, जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके है 6 मीटर। और ये जो दूरी है बीच की दूरी, वो कितनी दे रखी है भी आपके, 12 मीटर की दूरी दे रखी। ये 12 लगातार बीच में, ये 6 हैं। तो अब आपको पता होगा कि ये आपके 12 है, ये 6 हैं, तो ये पूरा 11 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 5, और ये हो गया आपके 6।
ये आपका 5 मीटर, ये आपका 6 मीटर, टोटल हो गया आपके 11 मीटर। 6 से 6 मैच करेगा, 11 से 11 मैच कर गया। अब देखो खम्भे का ये ऊपरी भाग है जहाँ पर तार लगे हुए रहते हैं, और ये भी खम्भे का ऊपरी भाग है जहाँ पर तार लगे हुए हैं। हमें क्या करना है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ से ये कितना है भाई, हमें ज्ञात करना है ये दूरी, हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये त्रिभुज आपका ए बी और सी है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, और ये कर्ण क्या करना है अभी, हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप चौथे यहाँ पर डी और ई बी नाम दे सकते हो। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए डी। ए डी आपके दे रखा है 11 मीटर, मतलब ये आपके दे रखी है खंबे की ऊंचाई दे रखी है। फिर है आपके ये सी ई, ये दे रखा आपके 6 मीटर, ये भी आपके खंबे की ऊंचाई है। और फिर ये आपके डी ई कह दो या बी सी कह दो, बी सी कह दो या डी ई कह दो, वो दे रखा है आपके 12 मीटर, ये दूरी है दोनों के बीच की। और हमें करना है ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ऐसी दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी उत्पत्ति से। हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसका नाम है आपके एबीसी। हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी लेते हैं। इसमें देखो आपके 3 भुजाएं, सबसे पहले आपके है बीसी भुजा जो दे रखी है 12 मीटर, जो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। फिर है आपके एबी, एबी हमने कैसे ज्ञात किया है, 11 माइनस 6 बराबर होता है आपके 5 मीटर, और साथ में आपके कोण बी जो है वो दे रखा है आपके 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर खंभे की ऊंचाई दे रखी है, या खंभा जो है ना ऊर्ध्वाधर, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री में ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब भी बोले ऊंचाई मतलब 90 डिग्री कोण दे रखा आपके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज केवल हमें इसका ही ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो नियम है कि कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब ये दोनों दे रखे हैं 5 और 12, मतलब कर्ण तो है आपके एसी का वर्ग, आधार जो है वो है आपके बीसी का वर्ग, और लंब है जो है आपके एबी का वर्ग। तो एसी तो हमें ज्ञात करना है, बीसी, बीसी ये रहा आपके 12 मीटर दोनों के बीच की दूरी, और एबी जो है वो हमने ज्ञात की है वो है 5 मीटर, एबी का वर्ग एसी का वर्ग 12 × 12 इतना 144, 12 × 12 गुणा कर देना, 5 × 5 होता है 25, तो एसी का वर्ग हो जाएगा आपके दोनों को जोड़ो तो 169। इसके ऐसे टुकड़े कर देते हैं यहाँ पर हम, भाग जाता है इसमें केवल 13 का भाग जाता है, वो भी 13 बार, फिर 13 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो एसी का वर्गमूल हटाएंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल लग जाएगा, और आपके जो एसी है वो हो जाएगा आपके 13 मीटर, और ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर।